Hello friends, in our last videos we have discussed the questions of GPSC paper solution which was held on 27/3/2018. We have completed in our previous videos of questions up to 25, and now we will discuss the question from 26. Last video mein hum logon ne question number 25 tak aap डिस्कशन कर लिया था, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 26 से बताऊंगा और इसके पेपर सॉल्यूशन को हम देखेंगे, पूरे फुल डिटेल में देखेंगे। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट करके उसके आंसर को पूछ सकते हो, और इस क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके उसको पूछिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ बाउंड वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज़ रिक्वायर फॉर केमिकल रिएक्शन विद द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट। पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट में जो है केमिकल रिएक्शन होने के लिए कितना परसेंट वाटर चाहिए? तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमें 23% जो है वो वाटर चाहिए रहता है, और बाकी का 15% जो पानी है वो वॉइड्स फिल होने के लिए करते हैं। तो टोटल इस तरीके से हमें 38% वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे खाली पूछा गया है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए कितना परसेंट वाटर चाहिए, तो दोस्तों आंसर आएगा 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो कोर्स सेंड हैज़ अ फाइनेस्ट मॉडुलस इन रेंज ऑफ। कोर्स सेंड का जो फाइनेस्ट मॉडुलस है वो कितने के रेंज में होता है? तो दोस्तों, कोर्स सेंड का जो फाइनेस्ट मॉडुलस है वो 2.9 to 3.2 के बीच में होता है। दोस्तों, फाइनेस्ट मॉडुलस जो होता है वो फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन सैंड का कहाँ तक होता है? तो 2.6 to 3.2 तक होता है। तो उस तरीके से दोस्तों यहाँ पे कोर्स सैंड की बात किया है तो आंसर आएगा 2.9 to 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 72 आवर शुड नॉट बी लेस देन। 53 ग्रेड का जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है 72 आवर के बाद कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, 27 से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। बेस्ड ऑन रिलीज अपॉन हाइड्रेशन अरेंज द फॉलोइंग फोर कंपाउंड्स ऑफ ए सीमेंट C3S C2S C3S C4AF इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हीट रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अप्रूव करवाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाना है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी जो है वो सही है। पहले 3 आएगा, मीन्स ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, फिर फर्स्ट C3S, फिर फोर्थ C4AF, फिर सेकंड C2S। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इज। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हमें कितना परसेंट वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए? तो दोस्तों, इसमें जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी से मोर देन 0.35 बट लेस देन 0.35 से ज़्यादा और 0.45 से कम हमें चाहिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 31। इफ़ ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट एन एलिमेंट ऑन द सरफेस इज सब्जेक्टेड। कोई भी शाफ्ट है और उसके ऊपर प्योरली ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है तो उस एलिमेंट के ऊपर कौन सा स्ट्रेस लगेगा? तो दोस्तों, आंसर सी आएगा, प्योर शियर स्ट्रेस। कौन सा आएगा? प्योर शियर स्ट्रेस। इसमें आंसर जो आ जाएगा वो प्योर शियर स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। 32 की बात करते हैं। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस इन ए शाफ्ट इज 5 N/mm². द शाफ्ट इज ऑफ 40 mm डायमीटर। द वैल्यू ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट इज। वैल्यू ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होगा? तो दोस्तों, हमें पता है कि टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है, टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब। दोस्तों, यहाँ पे टी जो है वो टॉर्क है और यहाँ पे टाउ जो है वो शियर स्ट्रेस है। तो इस तरीके से दोस्तों ट्विस्टिंग मोमेंट टी जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और आफ्टर द कैलकुलेशन वी गॉट द आंसर ऑफ ऑप्शन बी 62.8 न्यूटन इंटू मीटर।
वाट इज़ टेनेसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, वाट इज़ टेनेसिटी, टेनेसिटी क्या है? टेनेसिटी दोस्तों अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, टेंशन के अंदर जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं टेनेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34, व्हेन ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एम एंड टॉर्क टी, जब किसी शाफ्ट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट एम और टॉर्क टी लगता है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? तो दोस्तों इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की बात करते हैं, द वर्क डन टू स्ट्रेन ए मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, किसी भी मटेरियल के ऊपर जो वर्क डन करते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, तो उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं रेजिलियंस, इलास्टिक लिमिट के अंदर वर्क करेंगे तो रेजिलियंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की बात करते हैं, नॉर्मली द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास वेरी बिटवीन, ग्लास का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, 280 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 560 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टोन पोजेस स्पेसिफिक ग्रेविटी इन रेंज ऑफ, स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, 2.4 से लेकर 2.8 जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है मोस्ट ऑफ स्टोन की। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन ए ब्रिक इज कट इनटू टू हाफ लॉन्जिट्यूडनली वन पार्ट इज कॉल्ड, जब हम किसी ब्रिक को दो हाफ में डिवाइड करते हैं लॉन्जिट्यूडनली, ऐसा हम यदि किसी ब्रिक को डिवाइड करते हैं तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं क्वीन क्लोजर, क्या बोलते हैं? क्वीन क्लोजर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो सही हो जाएगा, क्वीन क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, द लाइम विच हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नोन एज, कौन सा ऐसा लाइम है जो वाटर के अंदर सेटिंग की प्रॉपर्टी रखता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, हाइड्रोलिक लाइम। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, मेंबर विथ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए एंड द लेंथ एल इज सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ पी, इफ द यंग्स मॉडुलस इज ई द लीनियर स्ट्रेन विल बी। तो दोस्तों लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? तो हम सभी लोगों को पता है कि लीनियर स्ट्रेन जो होता है वो डेल्टा एल क्या होता है, चेंज इन डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई होता है, लेकिन स्ट्रेन क्या होता है? तो चेंज इन लेंथ, यहाँ से ये जो एल है इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो है वो स्ट्रेन हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, बीम कैरी अ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ एम, इफ द डेप्थ इज डबल इट्स मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी विल बी, एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है एम है, यदि उसके डेप्थ को हम लोग डबल कर देते हैं तो उसकी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 4m। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल कैरी अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रजिस्टर ए डिफ्लेक्शन ऑफ y सेंटीमीटर एट द सेंटर, इफ द स्पान ऑफ द बीम इज डबल देन द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ द सेम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विल बी। सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पान एल दिया है, कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यदि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसका स्पान एल दिया है इस तरीके से, दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर यूडीएल लोड लग रहा है, तो इसका हमारे पास डिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है 5/384 WL^4 / EI। दोस्तों WL^4 है, तो L^4 मीन्स L^4 की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे 2^4 हो जाएगा, तो मीन्स आंसर हमारा क्या आएगा, 16Y। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, टू बीम वन हैविंग अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड अदर हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आर सब्जेक्टेड टू द सेम अमाउंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया एज वेल एज अ मटेरियल ऑफ बोथ आर सेम देन, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, सर्कुलर बीम एक्सपीरियंस मोर बेंडिंग स्ट्रेस देन द स्क्वायर बीम, तो सर्कुलर बीम में बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्क्वायर वन। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन हैज़ अ डायमेंशन ऑफ 10 cm / 20 cm,
The ratio of the moment of inertia about x-axis passing through its centroid to the moment of inertia about y-axis passing through the centroid. दोस्तों रेक्टेंगुलर सेक्शन है और हम सभी लोगों को पता है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है वो क्या होता है, तो उसको पता है बी डी क्यूब अपॉन 12 होता है। तो ये आई एक्सेस की बात करते हैं बी डी क्यूब अपॉन 12, और आई वाई वाई की बात करें तो डी बी क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा। दोनों वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सेक्शन इन इंक्रीजिंग टोर्सनल स्टिफनेस। इस सेक्शन को हमें इंक्रीजिंग टोर्सनल स्टिफनेस के हिसाब से अरेंज करना है। तो ऑप्शन सी एल सेक्शन ज़्यादा टोर्सनल स्टिफनेस कम इसके अंदर होगा, फिर वन ओपन रिंग सेक्शन, फिर सेकंड क्लोज रिंग सेक्शन, फोर्थ सर्कुलर डिस्क सेक्शन। तो दोस्तों सर्कुलर डिस्क सेक्शन जो है वो ज़्यादा टोर्सनल रेजिस्टेंस होगा, सर्कुलर जो है वो ज़्यादा टोर्सनल रेजिस्टेंस कैपेसिटी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की बात करते हैं, द स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट इज परफॉर्म ऑन ए सिलेंडर ऑफ डायामीटर डी एंड द लेंथ एल। इफ द अल्टीमेट लोड इज पी देन द स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट विल बी। दोस्तों ये स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट के कोड का रिजल्ट होता है, तो इसमें फॉर्मूला होता है 2p अपॉन पाई डी एल, आंसर आ जाएगा 2p अपॉन पाई डी एल। क्वेश्चन नंबर 47, द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट वेन एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में जब करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 10-15%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, श्रिंकेज ऑफ ए कॉन्क्रीट डिपेंड अपॉन। कॉन्क्रीट का जो श्रिंकेज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो फर्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ इट एटमोसफियर एंड सेकेंड इज पासिस ऑफ टाइम। टाइम एंड एटमोसफियर के रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसमें से कौन सा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक नहीं है, तो दोस्तों याद रखेंगे बेसाल्ट जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंस कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। इसमें से कौन सा जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, तो कैल्साइट जो है दोस्तों वो सेडिमेंट्री रॉक का सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूंट होता है। क्वेश्चन नंबर 51, इन द फोर्थ अमेंडमेंट ऑफ मे 2013 ऑफ IS 456/2000 M60 ग्रेड ऑफ हैज़ बीन शिफ्टेड टू। तो दोस्तों 2013 में जो IS कोड का अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें जो है वो उसमें दोस्तों अमेंडमेंट में जो है M60 ग्रेड जो है वो शिफ्ट हो गया था। कहाँ से शिफ्ट हुआ था, तो ऑप्शन ए सही है, स्टैंडर्ड कंक्रीट फ्रॉम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। दोस्तों हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से वो स्टैंडर्ड कंक्रीट में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK वेयर FCK इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट स्पेसिफाई इन IS 456/2000 इज बेस्ड ऑन। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस के ऊपर डिपेंड करता है, तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन RCC बीम। RCC बीम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट कितना हो जाएगा, दोस्तों तो 85 less than 85/FY, ये आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, मैक्सिमम डायामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार इन RCC बीम इज लिमिटेड टू। RCC बीम के अंदर मैक्सिमम डायामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार कितना होना चाहिए, तो दोस्तों ऑप्शन सी जो सही है, 1/8 ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द बीम, 1/8 ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ बीम। क्वेश्चन नंबर 155, इफ W इज ए लोड पर यूनिट एरिया ऑन ए सर्कुलर स्लैब ऑफ रेडियस R, देन द मैक्सिमम रेडियल मोमेंट एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज। सिंपली सपोर्टेड स्लैब के अंदर मैक्सिमम रेडियल मोमेंट जो है वो कितना होना चाहिए, दोस्तों तो आंसर आएगा 3WR² / 16। क्वेश्चन नंबर 56, टू ट्रांस लार्ज शियर फोर्स थ्रू द कनेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट सुटेबल।
लार्ज शियर फोर्स यदि हमें ट्रांसफ़र करवाना है तो हमें स्टीफन सीटेड कनेक्शन जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं दोस्तों। एज़ पर IS 800 इन केस ऑफ द प्लेट गर्डर विथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्टिफनर द ग्रेटर एंड लेजर अनसपोर्टेड क्लियर डायमेंशन ऑफ ए वेब पैनल इन टर्म ऑफ वेब थिकनेस TW शुड नॉट एक्जीड। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 270 TW थिकनेस ऑफ वेब एंड 200 TW थिकनेस ऑफ वेब। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ गेंट्री गर्डर फॉर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन ओवर 500 इज। वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए तो स्पान अपॉन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन के लिए कितना होगा दोस्तों, तो स्पान अपॉन 750। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ गर्डर इज अबाउट, गर्डर का इकोनॉमिकल डेप्थ कितना होता है तो 1/12 ऑफ द स्पान। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। इफ TP and R आर द कॉस्ट ऑफ ट्रस पर्लिन एंड रूफ कवरिंग रिस्पेक्टिवली द इकोनॉमिक स्टीम ऑफ द रूफ ट्रस इज। दोस्तों ऑप्शन बी सही है, T = 2P + R। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। द लैप लेंथ ऑफ ए डायरेक्ट टेंशन एनफोर्समेंट बार इन RCC बीम शुड बी मोर देन, लैप लेंथ जो है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, ट्वाइस द डेवलपमेंट लेंथ और 30 times द डायमीटर ऑफ बार। लैप लेंथ जो होता है वो ट्वाइस द डेवलपमेंट लेंथ और 30 times द डायमीटर ऑफ बार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट इन RCC बीम इज, मेन रेनफोर्समेंट के लिए कितना होना चाहिए दोस्तों, तो ऑप्शन जो है वो बी सही है, द डायमीटर ऑफ बार और 2/3 ऑफ द नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। ए कॉलम इज सब्जेक्टेड एज लॉन्ग कॉलम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द गायरेशन इज मोर देन। एक कॉलम जिसको लॉन्ग कॉलम कब बोलेंगे, जब उसका लेमडा जो है वो 60 से ज़्यादा होगा, लेमडा 60 से ज़्यादा होगा दोस्तों तो ही हम उसको बोलेंगे लॉन्ग कॉलम। लेमडा 60 से ज़्यादा होगा तो हम उसको लॉन्ग कॉलम बोलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन RCC कॉलम, कॉलम के अंदर मिनिमम परसेंटेज कितना लेते हैं दोस्तों, तो 0.8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। इफ W इज़ अ वेट पर यूनिट वॉल्यूम, P इज़ अ सेफ बियरिंग कैपेसिटी एंड Phi इज़ अ एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल रिटेन बाई अ रिटेनिंग वॉल, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन टू बी कैलकुलेटेड एज। दोस्तों मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, P/W 1 - sin φ / 1 + sin φ का होल स्क्वायर। इस तरीके से तो आज हम लोगों ने 65 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आने वाले वीडियो में मैं 66 क्वेश्चन से आपको कंप्लीट कराऊंगा। इस पूरे वीडियो सीरीज में 200 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल के आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये पेपर सॉल्यूशन चल रहा है GPSC का 27/3/2018 का, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। यदि आपने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पर जाके विजिट करें और अपना कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।